और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, जिसको लेकर 2 करोड़ मतदाता जो हैं तीसरे चरण में मतदान करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और अब 10 बज चुके हैं और 3 घंटे मतदान शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में एक अच्छा खासा वोटिंग परसेंट जो है वो सामने आ रहा है, एक अच्छी खासी वोटिंग प्रतिशत जो है वो हो चुकी है। ऐसे में देखा जा सकता है कि मतदाता जो है वो पूरी तरह से जागरूक है, भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। न्यूज़वर्ल्ड इंडिया की टीम भी लगातार मतदान बूथों पर बनी हुई है, वहां से लगातार हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर मतदाता अब जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद कर रहे हैं। तो ऐसे में अब हम रुक करेंगे फिरोजाबाद का और हमीरपुर का, जहां से फिरोजाबाद से किशन चंद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं हमीरपुर से अब्दुल सिद्दीकी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमीरपुर से हम रुक करेंगे। अब्दुल, हमीरपुर में किस तरह का माहौल देखा जा रहा है ग्राउंड जीरो पर? मैं आपको बता दूं, आज विधानसभा 2022 का चुनाव तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है, वहीं पे मतदाताओं में अच्छी खासी खुशी देखी जा सकती है, उत्साह देखा जा सकता है। आइए मैं बात करके बताता हूँ इनके क्या मुद्दे हैं। जी, आप किस मुद्दे पर वोट देने के लिए? जी, इसको चौड़ीकरण कराया जाए, डिवाइडर बने इस पे। जी, अस्पताल में रिफर सेंटर ना रह के अस्पताल का कार्य सही से हो। जी, आइए हमारे साथ कुछ और भी लोग बात करते। जी, आप किस मुद्दे पर आज वोट देने आए? बेरोजगारी, विकास जी, और हमीरपुर की दुर्दशा, 4 लाइन जी का 6 लाइन होना चाहिए, क्योंकि रोज कम से कम 8-10 मौतें हो रही है, ये हमारी सबसे बड़ी। और क्या आपके मुद्दे रहे? बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, नौजवान का कद जो फिर रहा है इसको कम से कम रोजगार तो मिले। आइए हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। जी, आप बताएं, आप वोट करने आए हैं, कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है वोट करने आए हैं। जी, बस हमारा एक ही मुद्दा है, NH 34 जो इसे पूनी हाईवे के नाम से जाना जाता है। जी, इसे 4 लेन कराया जाए ताकि जो बंदा सुबह निकलता है अपने घर से, शाम को वो अपने घर ही वापस आए, यही एक मुद्दा है हमारा। जी बिल्कुल अब्दुल, अगर देखा जाए तो हमीरपुर में बीजेपी ने मनोज प्रजापति को मैदान में उतारा है। इसके अलावा अगर एसपी की हम बात करें तो एसपी ने राम प्रकाश प्रजापति को मैदान में उतारा है। तो वहीं अगर बसपा की हम बात करें तो बसपा ने रामपुर निषाद को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने श्रीमती राजकुमारी सिंह को मैदान में उतारा है। ऐसे में बीजेपी और एसपी की हम बात करें तो यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने के मिल रही है, क्योंकि दोनों ही प्रजापति हैं। जी, मैं बता दूं कि आपके यहाँ पे हमारे हमीरपुर विधानसभा में मनोज प्रजापति और सपा में हमारे राम प्रकाश प्रजापति का अच्छा वर्चस्व देखा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं भी बता दें कि एक जो दलित वोटर है वो एक अच्छी निर्णायक भूमिका यहाँ पैदा कर रहा है। 80,000 लगभग दलित वोटर है और 45 से 46,000 लगभग प्रजापति वोटर है, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने की बात ये होगी कि कौन किस तरफ अपना रुख लेता है। बिल्कुल, और इसके अलावा जो चुनावी मुद्दे हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि आज का दिन है, आज जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है, तो ऐसे में जरूरी है कि उन मुद्दों पर प्रकाश डाला जाए, उन मुद्दों को उजागर किया जाए, जिन मुद्दों को लेकर जो आम जनता है मतदान बूथों पर पहुंची हुई है। जी, जनता की अगर बात करें तो उनके जो चुनावी मुद्दे हैं वो बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है और कृषि संबंधित है, और जो यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो NH 34 बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ आए दिन दुर्घटना होती रहती है और दुर्घटनाओं के कारण हर किसी को अपने घर से कोई ना कोई को खोना पड़ता है। किसी बच्चे के सर से बाप का साया उठ जाता है तो किसी का बहन का भाई चला जाता है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी जो कमी है और सबसे बड़ी जो यहाँ का हमीरपुर का जो मुद्दा है वो NH 34 है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं जिससे कई लोगों की जान जाती है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या आम जनता विधायक जी तक नहीं पहुंची, क्योंकि इन 5 सालों के लिए जो विधायक गद्दी पर विराजमान थे क्या वो आंखें मूंदे बैठे हुए थे? अब क्या बदलाव की स्थिति चाहती है, क्योंकि बदलाव तो दिखाई नहीं दे रहा है। आम जनता से जिन लोगों से बातचीत की है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारा यही मुद्दा है, यही नहीं सुलझ पा रहा है। जी, मैं आपको बता दूं कि इनके कई मुद्दे हैं जो सुलझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो
जनप्रतिनिधि है वो इनके मुद्दों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और जनप्रतिनिधि इनके कार्यों को पूरा नहीं कर रहे, तो जिससे नाराज है, तो जनता कहीं ना कहीं परिवर्तन भी चाह रही है। चलिए ठीक है, आप तीनों लगातार मेरे साथ बने रहिए। उससे पहले एक जानकारी जो है वो आम दर्शकों के लिए मैं पहुंचा दूं। हमीरपुर में अगर मतदान प्रतिशत की मैं बात करूं तो 9 बजे तक जनपद की दोनों विधानसभाओं में जो मतदान है, अगर राठ विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो 11% हो चुका है, सदर विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो 8.15% हो चुका है। क्या मैं सही हूँ अब्दुल, क्योंकि हमीरपुर का मैं जिक्र कर रही हूँ यहाँ पर? जी, कितने प्रतिशत मतदान यहाँ हो चुका है, क्योंकि जो अपडेट सामने आ रहा है उससे ये बताया जा सकता है कि 9 बजे तक राठ विधानसभा क्षेत्र में 11% और सदर विधानसभा क्षेत्र में 8.15% मतदान अब तक हुआ है। जी, 9% मतदान अभी तक हो चुका है, बाकी मतदान की क्रिया चल रही है, अब देखना ही होगा कि अभी तक कितना मतदान हुआ है। भीड़ बहुत ज्यादा देखी जा सकती है जिस बूथ पर आप खड़े हुए हैं? जी जी, मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और इसके आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से। चाचा, आज आप वोट डालने आए, किस मुद्दे पर वोट डालने के लिए आए, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? जी, आप आज वोट डालने आए, किस मुद्दे पर वोट डालने के लिए आए, क्या मुद्दे हैं आपके? विकास है, रोजगार, शिक्षा, क्या है? जी चलिए आइए बात करते हैं। जी आप बताएं, आप वोट डालने आए हैं, आप किस मुद्दे पर वोट डालने के लिए? सबसे पहला जो बड़ा मुद्दा है वो तो है महंगाई का, बेरोजगारी का, युवाओं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। भाजपा सरकार में फ्री राशन दे करके जो है जो लालच दी गई है उससे आम जनमानस कुछ नहीं होने वाला है। अगर सच में विकास करना है तो आपको युवाओं को देखना होगा, रोजगार के साधन उपलब्ध। अब्दुल, इनसे पूछिए कि फ्री राशन मंजूर नहीं है क्या? फ्री बिजली मंजूर है 300 यूनिट? क्या आपको फ्री राशन मंजूर नहीं है, फ्री बिजली मंजूर है? फ्री राशन से ज्यादा जो सरकार टैक्स और महंगाई के रूप में हमसे वसूल कर रही है वो हमें लगता है फ्री राशन एक से फ्री लॉलीपॉप, उससे ज्यादा सरकार टैक्स के रूप में हमसे वसूल कर रही है। जी आइए आगे और लोगों से बात करते हैं। सबसे बड़ा महंगाई है सरकार में, सबसे ज्यादा महंगाई होता है, युवाओं को नौकरी नहीं है, युवा भटक रहे हैं, महंगाई है, चरम सीमा पर है, राशन वितरण करने से मतलब नहीं है कि राशन वो किसी भी टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में, किसी भी रूप में वो वसूली हो रही है, उसे हिसाब से राशन कार्ड दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, घर घर जो है बच्चे बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार कहल रहे हैं, यही हमारा मुद्दा है। जी मैं बताओ, यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा निकल के आ रहा है वो बेरोजगारी का मुद्दा निकल कर आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये मुद्दा देखा जा सकता है जनता में कि जो आज बिल्कुल अब्दुल, और इस तीसरे चरण में सुबह से लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम अलग अलग विधानसभाओं पर पहुंची हुई है और हम बातचीत लगातार कर रहे हैं हर एक रिपोर्टर से, और यही मुद्दे सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इस तीसरे चरण में बेरोजगारी ही लगातार सुनने के लिए मिल रहा है, यानी कि इस तीसरे चरण में अहम जो यहाँ पर लड़ाई होने वाली है वो बेरोजगारी को लेकर होने वाली है। चलिए ठीक है, जालौन से मेरे सहयोगी मोहम्मद जैद भी मेरे साथ बने हुए हैं। जैद, जालौन में इस वक्त कैसी तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है और यहाँ पर अब तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है? जी मैं बता दूं, आज तीसरे चरण का चुनाव यहाँ शुरू हो चुका है, भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ तैनात है और डीएमएसपी हर बूथ का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ पे खास तौर से पुरुषों में और नई युवा पीढ़ी में उत्साह देखने को मिल रहा है और यहाँ 10% अभी मतदान पूरा हो चुका है। मतदाताओं से आपकी बातचीत हो पाई है जैद? जी मैं मतदाताओं से भी बातचीत नहीं हो पाई है, यहाँ पे भी स्वतंत्र देव सिंह अपना वोट डालने आए हुए थे क्योंकि वो यहाँ के जनपद के जालौन के निवासी हैं, यहाँ उरई विधानसभा में खड़ा हुआ, यहाँ पे अभी वो वोट डाल के गए हैं जस्ट हमारे पीछे ही। तो कोई प्रतिक्रिया उन्होंने दी? जी मैम अभी उन्होंने कुछ इस पर कहा नहीं है, वो उन्होंने इस तरीके कोई प्रक्रिया दी, उन्होंने वोट डाला और वो सीधे चले गए। चलिए ठीक है, आपका मैं रुक करूंगी, किशन के पास मैं जाऊंगी, फिरोजाबाद से लगातार बने हुए हैं। किशन, फिरोजाबाद में कितने प्रतिशत मतदान अब तक हो चुका है, क्योंकि अपडेट जो है वो लगातार सामने आ रहा है? फिरोजाबाद में सुबह 9 बजे तक करीब 10% मतदान हो चुका है और मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहूंगा, इस समय जो हमारे पास सूचना आ रही है कि बूथ संख्या 243-44 और 245 पर सुबह 9 बजे तक कोई वोट नहीं पड़ा है और जबकि वहां के ग्रामीण सड़क निर्माण को लेकर
बैठे हुए हैं और जो कि कई दिनों से बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि अगर सड़क नहीं बनेगी तब तक या हेलो बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी किशन जी 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 तो क्या अब लोग दिखाई दे रहे हैं, अब लोग दिखाई दे रहे हैं मतदान केंद्रों पर, आप कह रहे हैं कि 9 बजे तक कोई वोट नहीं पड़ा इस बूथ संख्या पर? जी मैं बताना चाहूंगा, वहाँ प्रशासन के लोग पहुंचे हुए हैं, नगला अरवारा के ग्रामीणों ने और नगला छैगुर के ग्रामीणों ने जो वहाँ बहिष्कार किया है, वहाँ अधिकारी पहुंचे हुए हैं, उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब तक मैं बता रहा हूँ कि अब तक 10 वोट वहाँ पर डाले जा चुके हैं, फिर भी अभी ग्रामीण जो है मतदान बहिष्कार की बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं। जी तो बदलाव की स्थिति यहाँ देखने के लिए मिल रही है, बदलाव की चाहत यहाँ आम जनता को? जी मैं बताना चाहूंगा, यहाँ बेरोजगारी भी मुद्दा है और एक मैंने आपको बताया था कि इस समय जो हम यहाँ पहुंच चुके हैं टूंडा विधानसभा में, तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ की बेरोजगारी भी है, और जो कि यहाँ पे एक टूंडा रेलवे जंक्शन की वजह से जो रोजगार चलता था, ऑटो वाले थे, रिक्शे वाले थे, टैक्सी वाले थे, उनका लगभग यहाँ पर जो ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ बेरोजगारी छिनती जा रही है। और कई भी यहाँ रेलवे विभाग के जो कई विभाग ऐसे थे जिनको खत्म कर दिया गया, जो कि यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट में जो पैसा आता था, यहाँ पे जब स्टाफ ही नहीं रहेगा तो यहाँ पे मार्केटिंग कैसी रहेगी? और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बड़ी संख्या में इस समय युवाओं में जोश देखा जा रहा है, युवा बड़ी संख्या में यहाँ वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, और यहाँ पे बेरोजगारी भी मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है, और जो कि शिक्षा का भी मुद्दा है। अगर बात करें तो सरकारी स्वास्थ्य जो है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र भी कोई ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई अगर चोट भी अगर लग जाती है थोड़ी सी तो उनको जिला अस्पताल भेजा जाता है, तो तब तक जो कि जो भी मरीज होता है उसको काफी क्षति पहुंचती है, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। जी चलिए ठीक है, आप तीनों लगातार मेरे साथ बने रहिए, मैं जल्द आपका रुख करूंगी। इससे पहले एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, वो जरा दर्शकों को बता दूं, फरुखाबाद में 9 बजे तक 9% मतदान हो चुका है। अगर कानपुर देहात की हम बात करें तो जनपद में 9 बजे तक जो मतदान प्रतिशत है उसका आंकड़ा कुछ इस प्रकार है। अकबरपुर रानिया विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है 8.2%, भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र में 6.5% मतदान हो चुका है, वही सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में 7.5% मतदान हुआ है, रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र में 5% मतदान अब तक हुआ है। वही अगर मैनपुरी की हम बात करें तो मैनपुरी में 9 बजे तक 9.7% मतदान हुआ है, मैनपुरी में 10.5% मतदान हुआ, भोगांव में 8.9%। तो सुबह 9 बजे तक कुल जो मतदान प्रतिशत है वो 8.15 रहा है। मैनपुरी में भी सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, 11.02% मतदान, हाथरस में 7.62%, वहीं यूपी में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। ललितपुर की हम बात करें तो ललितपुर में सुबह 7 से 9 बजे तक 2 घंटों में 9% मतदान हुआ है। इसके अलावा कन्नौज की हम बात करें तो कन्नौज में भी मतदान प्रतिशत जो है काफी अच्छा देखा जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा मैनपुरी में देखा जा रहा है। तो ये जो बड़ी अपडेट थी वो हमने आप तक पहुंचाई है। यूपी में आज तीसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है, भारी संख्या में मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कानपुर में भी अच्छा खासा वोटिंग प्रतिशत देखा जा रहा है। तो मैनपुरी में अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत देखा गया, 11.02% मतदान यहां पर हो चुका है। मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। फिरोजाबाद से किशन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, किशन कैसी तस्वीरें फिलहाल नजर आ रही है?
वोटिंग प्रतिशत है वो करीब करीब 9 बजे तक 10% पहुंच चुका है। इसके अलावा अलग अलग जो प्रत्याशी हैं वो उनकी तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप टैली के माध्यम से समझ भी पाएंगे कि किनके बीच कांटे की टक्कर है, 2012-2017 में क्या गणित रहा है, यूपी का संग्राम किस कदर आगे बढ़ रहा है वो भी तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के लिए आज मतदान शुरू हो चुका है 7:00 से। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया सुबह से ही देखी जा सकती है। भारी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। हालांकि इन 2 घंटों में या मैं बात करूं कि आज सुबह से ही जो एक बात सामने आ रही है वो ये कि हर एक मतदाता सिर्फ यही कह रहा है कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, रोजगार उन्हें चाहिए, उन्हें मुफ्त का राशन नहीं चाहिए, उन्हें मुफ्त की बिजली नहीं चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। तो 627 उम्मीदवार मैदान में है। इसके अलावा तीसरे चरण में करीब 2.15 करोड़ से ज्यादा मतदाता है जो आज 627 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर रहे हैं। ईवीएम की जिक्र यहां पर हो रहा है तो ईवीएम के बारे में जानकारी दे दूं कि कन्नौज की कई बूथों से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर करीब 1 घंटे से ईवीएम खराब रही और इसके बाद ईवीएम दूसरी वहां पर नहीं पहुंचाई गई जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो 15,553 मतदान केंद्रों पर 25,000 से ज्यादा मैनपुरी जैसे प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में तीसरे चरण में मतदान शुरू हो चुका है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर सबकी नजरें लगातार बनी हुई है जो कि लगातार आप तक हम बता भी रहे हैं। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहली बार चुनावी मैदान में है, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने भाजपा ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी बीच शिवपाल यादव आते हैं और कहते हैं कि अखिलेश यादव की जीत पक्की है और यहां पर जो एसपी सिंह बघेल हैं उनकी जमानत पूरी तरह से जब्त हो जाएगी। लेकिन यहां पर सभी की नजरें बनी हुई है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो 10 मार्च को पता चलेगा लेकिन आज शाम तक कुछ हद तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी। इटावा सीट भी खास हो जाती है। इटावा की जसवंत नगर सीट से अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव चुनावी मैदान में हैं और इसको लेकर कई बार बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेरा है क्योंकि शिवपाल यादव लगातार 100 सीटें मांग रहे थे लेकिन 1 सीट मिली जिसकी वजह से बीजेपी लगातार उन्हें घेर रही है। तो यहां से शिवपाल यादव लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। भाजपा ने जसवंत नगर सीट से युवा नेता विनय शाक्या को मैदान में उतारा है जबकि बसपा ने बिजेंद्र कुमार को टिकट दिया है। इस सीट पर कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। वहीं फरुखाबाद सदर सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। 2002 में लुईस खुर्शीद फरुखाबाद की कायमगंज विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुकी है। वहीं 2007 के चुनाव में लुईस खुर्शीद चुनाव हार गई थी। तो ये वो 59 विधानसभा सीटें हैं जिनका जिक्र मैं कर रही हूं। हाथरस, सादाबाद, सिकंदरामऊ, टूंडला, जसराना, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, सिरसागंज, कासगंज, अमापुर, पटियाल, अलीगंज, एटा, मरहरा, जलेसर, मैनपुरी, भोगाव, किशनी, करहल, कायमगंज, अमृतपुर, फरुखाबाद, भोजपुर, शिबरामऊ, तीरवा, कन्नौज, जसवंत नगर, इटावा, भरथना, बिधूना, दिबियापुर, औरैया, रसूलाबाद, अकबरपुर, रनिया, सिकंदरा, भोगिनीपुर, बिलहौर, बिठूर, कल्याणपुर, गोविंदनगर, सीसामऊ, आर्यनगर, किदवाई नगर, कानपुर, कैंट, महाराजपुर, घाटमपुर, माधोगढ़, कल्पी, उरई, बबीना, झांसी नगर, मऊरानीपुर, गरौठा, ललितपुर, मेहरौनी, हमीरपुर राठ, महोबा और चरखारी। मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद 3 चरण पूरे हो जाएंगे जिससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कैसी हो सकती है। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।